आज का सेशन बहुत अच्छा है, राइट? और जैसे कि आज हमने अनाउंसमेंट भी किया है, ओके, अपनी कोर टीम विक्टर इंडिया की तरफ से, कि हम लोग वाराणसी में फर्स्ट फिजिकल मीट प्लान कर रहे हैं, राइट? उसके अनाउंसमेंट आ चुकी है, ऑलराइट? और यस प्लीज, तो उससे रिलेटेड और भी बहुत अधिक जानकारी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट? लेकिन उससे भी पहले हम लोग आज के शेड्यूल बता देता हूँ मैं आपको। आज का शेड्यूल कुछ इस तरीके रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करेंगे, राइट? उसके बाद में फिजिकल मीट की प्रिपरेशंस को लेके जो भी चीज़ें अपडेट्स हैं, राइट, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? और वो एक तरीके से फिजिकल मीट प्लान करने का एक रोड मैप रहेगा। तो आगे भी जितनी भी फिजिकल मीट प्लान की जाएंगी उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग की जाएंगी, राइट? तो प्लीज मैं सभी उन सभी का एक बार सभी गेस्ट का उनका मैं वेलकम करना चाहूंगा जो आज पहली बार अटेंड करना जूम सेशन के अंदर, राइट? प्लीज वो सभी लोग अपना एक बार हैंड रेस कर दीजिए जो आज का सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं। प्लीज अभी हम लोग 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके? तो यस प्लीज, मिस्टर मिस्टर राज पटेल जी, मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, अगर और भी कोई है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा। आज के जूम सेशन में जो पहली बार आज के जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट, या फिर जो लोग ओकेजनली कर रहे हैं या ओकेजनली कभी कभी इसको अटेंड करते हैं जूम सेशन को, वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ऑलराइट, मिस्टर अश्विनी मोस्ट वेलकम, भीमसा मोस्ट वेलकम सर। ऑलराइट, कमल प्रसाद जी मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू, वेरी गुड। और भी कोई है? कमलेश कुमार जी मोस्ट वेलकम, मिस्टर राम वेलकम। ऑलराइट, 44 पार्टिसिपेंट्स अभी हम हो चुके हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। ऑलराइट, मिस्टर पंकज मौर्य जी मोस्ट वेलकम, ओके। यस, आज की जो हाईलाइट होने वाली है, मैं हाईलाइट्स के बारे में बता देता हूँ। हाईलाइट्स कुछ इस तरीके से होगी, सबको बहुत मजा आने वाला है। अब हमने जो ले दे के 9 महीने हमने जो तैयारियां की हैं, राइट, क्योंकि अब हमें कुछ ही दिन में कुछ ही समय में 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे विटर पावर प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअसली प्रेजेंट करते हुए, राइट? और आप देखेंगे कि कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट हर बार और बार बार किया जाता था कि अगर कोर टीम विटर इंडिया के साथ में अगर आप को फाउंडर बनना चाहते हैं, राइट, तो आपको अपना 10 कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कि अपने फ्रंट में 10 डायरेक्ट एक्टिव करने ही होंगे। ऑलराइट, तो उन 10 डायरेक्ट का अब जो स्पेशल ट्रीट मिलेगा इन फिजिकल मीट्स के दौरान, वो वाकई में अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे साबित होने जा रही है। जैसे मिनट, तो जो चीजें अब तक हमने तैयारियां की थी, राइट, नो डाउट यहाँ पर हम लोग अपने पोर्टफोलियो एसेट्स तो बना ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो खुद की पॉपुलैरिटी हमारे लोकल एरिया में या जहां जहां तक हमारा दायरा है, हम लोग फेमस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीटर, क्योंकि इतना स्ट्रांग और इतना स्टेबल प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, राइट, हम लोग फ्रंट में जाकर चीजें कर रहे हैं और उससे अच्छा सकता, राइट, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके बारे में और डिटेल्ड में जानकारी हम लोग अभी प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद में फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे, राइट? और जस्ट अ मिनट, विपुल जी कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेट मी चेक। नेट की प्रॉब्लम आ रही है, नो इश्यू, ओके, जस्ट मिनट। एक काम करता हूँ, राइट, मैं अपनी स्क्रीन इधर से शेयर करता हूँ, आप उसको कीजिएगा, ठीक है सर? ओके, राइट। ऑलराइट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ
विपुल जी, मेरी स्क्रीन जब शेयर होगी तो प्लीज एक बार अपनी स्क्रीन को ऑफ कीजिए सर पहले तो। जस्ट मिनट प्लीज को ट्राई करके देखो। श्योर राइट। तो कहने का मतलब, हमने जो तैयारियां की हैं इतने लंबे समय से, अब उनका रूप रंग शेप एंड साइज सब कुछ सभी के सामने आने वाला है, राइट। और अभी विपुल जी भी रेडी है, विपुल जी के पास हम चलते हैं और अधिक जानकारी के लिए हम लोग विटर पावर प्रोजेक्ट की जानकारी हम लोग उनसे प्राप्त करते हैं और इस वाले टॉपिक को हम लोग प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के बाद। सो ऑलराइट, विपुल जी, ऑलराइट, यस, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मोहित। सबसे पहले तो मैं आज उन सभी लोगों के एक बार मैं तहे दिल से आज के सेशन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो पहली बार हमारे सेशन को आज ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस हमारे जो पुराने साथी हैं और प्लस नए साथियों को सबसे पहले मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा आपकी कीमती समय के लिए, राइट। तो सबसे पहले मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, राइट। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं डायरेक्टली मैं बात करूँ क्योंकि आज हमें काफी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है, तो डायरेक्ट हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आज की जो वीटर पावर प्रेजेंटेशन है ऑनली फॉर 15 मिनट्स के अंदर हमें इन चीजों को बारीकी से देखनी है। जस्ट मिनट। तो उसके बाद में हम लोग फिर अपने जो रिव्यू है, जो हमारी अपडेट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये अगला जो 15 मिनट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग यदि सही तरीके से सही मायने में इसको समझ लिए, ये बहुत कुछ आपको यहाँ से आज मिलने वाला, राइट। तो मैं दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि जो वीटर पावर प्रेजेंटेशन है तो ये क्या है दुनिया के अंदर, इसकी सबसे बड़ी खूबी जो सभी लोग आप जानते हैं, दी एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी, दुनिया के अंदर एक ऐसी नायब टेक्नोलॉजी, माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी जिसके बदौलत पूरी दुनिया के अंदर एक बेमिसाल, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त डिमांड के साथ में इस टेक्नोलॉजी की बेमिसाल पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड आने लग चुकी है, जिसका कारण मैं बताऊंगा। इसमें कैरियर की सबसे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि कोई इंसान वर्तमान की जिंदगी में नई टेक्नोलॉजी की तलाश में है तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया हमारे पास में स्रोत नहीं हो सकता। और कोई वाकई में जिंदगी में कोई देनदारियत से परेशान है, जी लगता है कि मेरे पर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उनको इस टेक्नोलॉजी को बखूबी तरीके से समझना चाहिए। और यदि फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा एसेट्स आप बनाना चाहते हैं, यदि ऐसा कोई आपके पास में ड्रीम है और ऐसी कोई चीज आप बनाना चाहते हैं कि वाकई में मेरा पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़ी संपत्ति हो और मेरा नेम फेम उसके साथ में जुड़ा हुआ हो, तो आपको यहाँ पर बखूबी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को शानदार तरीके से देखनी चाहिए। जिसके पास में वित्तीय संपत्ति बड़े लेवल पे, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि परिवार के साथ में, या हम अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो अपनी कर्म के बदौलत अपनी नेम एंड फेम अपने फैमिली को देना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये बेहतरीन मौका उनके साथ में जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाती पोता Okay, let me check and confirm. Wait for a second. विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay. उनकी नेट कनेक्टिविटी का इश्यू है, राइट? तो मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, ऑल राइट? सो वेट फॉर अ सेकेंड। ओ प्रभु, वेरी गुड विपुल। जब तक विपुल जी जब तक दोबारा कनेक्ट होते हैं तब तक मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऑल राइट? Wait for a second. Just wait. All right. So thank you.
फॉर द पेशेंस. होपफुली अभी मेरी स्क्रीन सभी को क्लियरली विजिबल होगी, सभी को दिख रहा होगा. ऑल राइट, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वीटर, wieter.danishtagline.com, राइट. वीटर पावर प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है डैनिश टैगलाइन, जो इसके ऑथर एंड सीईओ है, राइट. तो wieter.danishtagline.com ये वेबसाइट है, आप देख पाएंगे वीटर, राइट. इसकी फुल फॉर्म है दैट इज वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल, राइट. और जो इसका स्ट्रॉन्ग स्लोगन है दैट इज वाइंड विल चेंज एवरीथिंग, हवा कुछ भी चेंज कर सकती है, सब कुछ बदल सकती है, राइट. और द एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी स्टार्ट्स विद वीटर, मतलब कि कार्बन फ्री एनर्जी का जो युग है वो वीटर के साथ शुरू होता है, राइट. और इसकी जो बिल्डिंग है वीटर पावर प्रोजेक्ट की, वीटर पावर प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी कैपेसिटी से 200% अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है. मीन्स इसकी जो खुद का स्ट्रक्चर होगा, खुद की बिल्डिंग होगी, क्योंकि हमें पता है जो वीटर पावर प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो उसके अंदर रेसिडेंशियल यूनिट्स भी रहेंगी, तो उसकी जो खुद की डिमांड रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की, राइट, उससे 200% अधिक इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर पाएगा. ओके, तो अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 200% हम लोग क्यों बोलते हैं और किस चीज का 200% होता है. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज वाइंड एनर्जी, राइट. वाइंड एनर्जी को यूज करने के अपने बहुत ही फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, राइट. जैसे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, रिन्यूएबल होता है, बार बार वो अपने आप रीजनरेट होता है, राइट. और इसको बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है. और वाइंड एनर्जी को यूज करने से प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं है. ओके, तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीन पार्ट्स हैं, दैट इज इनोवेशन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी. ओके, तो यही वो तीन पार्ट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पेटेंट है, और पेटेंट में ये तीनों के तीनों पार्ट पेटेंट होते हैं. ऑलराइट, तो इनोवेशंस किस तरीके से इसको इन्वेंट किया गया, इनोवेट किया गया, राइट, वो सब चीजें आप इधर देख पाएंगे. ओके, और कौन कौन से पार्ट्स हैं, लाइकवाइज इसकी वर्टिकल टर्बाइंस, सेंट्रल एक्सिस, राइट, वो सारी चीजें. और इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल आप जो मिड में देख रहे होंगे, चारों तरफ से इसका एयर कंसंट्रेटेड टावर होता है, बीच में सेंट्रल एक्सिस होता है, और उसके आसपास वर्टिकल रोटेटिंग टर्बाइन होता है. ओके, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका वर्किंग प्रिंसिपल हर एक वीटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर सेम ही होगा. इट मीन्स उसकी जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो सभी जगह सेम ही रहेगी. टेक्नोलॉजी आप इस तरीके से देख सकते हैं, राइट. थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे तो सब कुछ अलग अलग दिख जाता है. ओके, और ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है जो हम लोग डेली स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को, राइट, वेलकम सेशन के लिए. तो वो 9 मिनट्स की प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर भी पूरा का पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, और सबसे अच्छी बात, इसकी एप्लीकेशंस, पॉसिबिलिटीज, मतलब कि ये कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, हर उस जगह पर जहां पर हवा है, इस टेक्नोलॉजी को लगाया जा सकता है, वीटर पावर प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है. जैसे कि लिविंग स्पेसेस, रिटेल एंटरटेनिंग फॉर्म्स, डेटा सेंटर, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज, गैराज एंड पार्किंग लॉट्स, ऑफिस प्रिमिसेस, हाइड्रोपोनिक फार्म्स, राइट. और वीटर पावर प्रोजेक्ट लगने के बाद कुछ कैसा दिखेगा ये आप देख पाएंगे इधर. ओके, तो इट मीन्स इसका शेप साइज वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा. वर्किंग प्रिंसिपल में कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा. ऑलराइट, वेरी गुड. वाइंड इज एवरीवेयर, हवा हर जगह पर है, तो एकोमोडेशन इज पॉसिबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. इसकी जो एकोमोडेशन है, इसको जो इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, वो पूरी दुनिया में इसको हर जगह यूज किया जा सकता है. ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है इस टेक्नोलॉजी का, इस वीटर पावर प्रोजेक्ट का जो प्रोटोटाइप लगा हुआ है, राइट, नोवोसिब्रिस्क रशिया में.
और साथ में ये सारे के सारे जो नीचे पूरा का पूरा वर्कशॉप नंबर वन, वर्कशॉप नंबर टू, ओके, ये चीजें भी आप इधर देख पाएंगे बहुत ही आसानी से, ऑलराइट। और यहां तक कि आप एक चीज और भी देख पाएंगे इसके अंदर, वो ये कि जो इंडिया के अंदर जो ऑफिस चल रहे हैं उनको भी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ओके। कंपैरिजन विद द प्रॉपलर वाइन टर्बाइन्स, ये इसमें कंपैरिजन दे रखे हैं वाइन टर्बाइन्स के, ओके। आप इसको वन बाय वन क्लिक करके चेक कर सकते हैं, राइट। एंड मोर ओवर ये कंपैरिजन एंड इम्प्लीमेंटेड एनालॉग ऑफ द टेक्नोलॉजी, वेट फॉर अ सेकेंड, राइट। मैं एक बार विपुल जी को ले लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। विपुल जी अभी कनेक्ट हो गए हैं क्या? वेट 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 फॉर अ सेकेंड प्लीज। Right. So very good. Once again, मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ, राइट। आप एक बार चीजों को देखिए, एनालिसिस कीजिए, वेरी गुड, फंटेस्टिक। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द टेक्नोलॉजी, राइट। किसी भी टेक्निक को अगर हम एक पेटेंट फॉर्मेट में करते हैं, राइट, तो उसको कोई भी चुरा नहीं सकता, उसको कोई कॉपीराइट नहीं ले सकता, ओके। इनिशियली 2018 में विट्रो टेक्नोलॉजी जो तकनीक है वो रशिया में पेटेंट हुई थी, राइट। Means, जब इसका एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन्होंने, क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, उससे पहले ही ये टेक्नोलॉजी पेटेंट हो चुकी थी, इजाद हो चुकी थी, राइट। इसमें 75 कंट्रीज में इन्होंने अपना पेटेंट फाइल किया हुआ है अपनी इस टेक्निक का, अपनी इस टेक्नोलॉजी का, ओके। अब ये जो 75 कंट्रियों के जो पेटेंट्स हैं ये मोर ओवर 2023-24 और मे बी 25 तक ये कंप्लीट हो जाने चाहिए, ऐसा डेनिस स्टेगलिन बोलते हैं। और इनका जो ये जो बेसिकली जो पेटेंट्स हैं ये एसेट्स के रूप में काउंट होते हैं कंपनी के लिए, राइट। और कंपनी इन द सेंस विटर एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन है, राइट। जब हम कंपनी की बात करेंगे, ये टेक्नोलॉजी के जो जन्मदाता है या जो पेटेंट मिल रहा है, ओके, वो पेटेंट कंपनी को नहीं मिल रहा, वो पेटेंट डेनिस स्टेगलिन को मिल रहा है हर एक कंट्री से, ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए, ओके। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग में जाएंगे, राइट, तो ये जो हमारे पेटेंट होंगे 75 कंट्रीज के, ये हमारे एसेट्स के रूप में यूज होंगे, जहां पर हम आसानी से अपने एक बड़े से बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लाइक वाइज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंडन स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग इसको लिस्टेड करा पाएंगे, ओके। सो अब अगला है, हाउ टू बिकम ए कोऑनर, इसमें हम कोऑनर कैसे बन सकते हैं, राइट, और क्या कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी है अगर हम अभी शुरुआती दौर में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो स्टेज चल रही है दैट इज कॉल्ड प्री आईपीओ स्टेज, राइट। हमने अभी तक जो भी सुना है शेयर मार्केट्स के अंदर वो है या फिर आईपीओ, ज्यादा से ज्यादा आईपीओ सुना है, लेकिन प्री आईपीओ वर्ड्स हम लोगों के साथ में सामने बिल्कुल ही नया है, राइट। इससे पहले चीजें आई और भी चीजें आई हैं, लेकिन हम लोग जो है पोर्टफोलियो इंडस्ट्रीज में फर्स्ट टाइम आए, राइट। हम लोग इन द सेंस मैं आपकी और हमारी बात कर रहा हूँ, राइट। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही प्री आईपीओ में काम कर रहे होंगे, अपनी पोर्टफोलियो इंडस्ट्रीज के अंदर पहले ही काम कर रहे होंगे, राइट। तो जब भी हम प्री आईपीओ शेयर्स के अंदर पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है, राइट। इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है, मतलब कि ये आपको
2000 गुना भी प्रॉफिट आपको कमाकर दे सकता है, जो ओके इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप पीरियड, राइट। तो ये है इसका जो विटर का है, ये इसका स्टार्टअप पीरियड है, बहुत ही शुरुआती दौर है। में हमेशा जो चीजें होती हैं वो लो लेवल्स पर होती हैं, ग्राउंड्स पर होती हैं, मींस वहां पर अप्रोच आसानी से किया जा सकता है। अब लेट्स से मैं आपको छोटा सा यहाँ पे हिंट देना चाहूंगा, सिर्फ अब से करीब 20 दिन पहले की अगर हम बात करें तो हम लोग $100 में 52,000 शेयर्स बाय कर रहे थे, राइट। लेकिन अभी 8 तारीख के बाद में, 8 दिसंबर के बाद में हम लोग $100 में 34,000 शेयर्स हम लोग अभी ले पा रहे हैं, राइट। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ यहां से एक साल बाद की बात करूं, राइट, आज अगर 27th ऑफ दिसंबर है, अगर हम 27th ऑफ दिसंबर 2022 की बात करें एक साल बाद, तो जो अभी 34,000 जो शेयर्स हैं ये, और मे बी 12,000 के आसपास ये शेयर्स होंगे। इट मींस क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस बढ़ रही है आगे, वैसे वैसे यहाँ पर शेयर्स डिक्रीज हो रहे हैं। इट मींस हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, ओके। और इसको हम लोग किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट शेयर अर्न करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ, राइट। इसके बाद में फिर हमारा डिविडेंड्स पार्ट स्टार्ट होगा, वो भी मैं अभी बताऊंगा, ओके। तो बेसिकली जो हो क्या रहा है, ये एक प्रोजेक्ट का रोड मैप है, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग ये चीजें चल रही हैं, जिसमें कि रोड मैप एक बेसिकली उसका एक दिशा निर्देश होता है, गाइडलाइंस की तरह काम करता है। लेकिन उसके लिए परफेक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि इस टाइम पे यही चीज होगी तो ही स्टेट चेंज होगी, राइट। या इस रोड प्रोजेक्ट रोड मैप को देखा जाए तो यहाँ पर 14.13 प्रोजेक्ट स्टेजेस हैं, जिसमें कि बहुत समय पर, बहुत बार ऐसा भविष्य में देखने को मिलेगा आने वाले एक दो साल के अंदर, जहां पर एक दो जो स्टेजेस हैं वो ओवरलैप हो जाएंगे। मींस अभी जो लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था वो ये था कि अभी हम लोग लगभग 6.5-6.6 स्टेज के अंदर चल रहे हैं। अब जो स्टेज जो आएगी वो मे बी 7th स्टेज इस प्रोजेक्ट की आ सकती है, जब इसमें आपके जो शेयर्स हैं वो 30,000 से भी कम रहने वाले हैं, ऑलराइट। तो इस तरीके से चीजें बढ़ेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि जब एक वैल्यू के अगेंस्ट जब नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी कम हो रही है, इट मींस इसकी जो डिमांड्स है मार्केट के अंदर वो बढ़ रही है, ओके। और अगर हम आगे चलते हैं और धीरे धीरे ही सही, राइट, और इसी रोड मैप के अंदर ही उसका एक ब्रीफिंग दे रखा है कि हम लोग जब तक हमारा रोड मैप खत्म होगा, राइट, 2024 तक, उससे पहले पहले हम लोग एनी हाउ पूरी दुनिया के लिए हम लोग एक मिसाल पेशकश करने वाले हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, राइट, जो कि दुबई में प्रपोज्ड पायलट प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी चीजें वहां पे हो रही है, अभी जो अपकमिंग न्यू अपडेट्स जो हमारे पास आने वाली है वो है कि 7th of January 2022 को ये लोग पूरा का पूरा दुबई के अंदर अपना ऑफिस स्टाफ यहाँ पे हायर करने वाले हैं और लेके आने वाले हैं, जिसमें कि जो दुबई में जो जगह दी गई है, जो सिटी इनको डेवलप करना है, उसका पूरा का पूरा लेआउट फॉर्मेट में उसको बनाने से पहले उसका आर्किटेक्चर, उसका लेआउट सब कुछ रेडी करना होगा, राइट। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है पायलट प्रोजेक्ट की, जब उसका लेआउट आर्किटेक्चर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, राइट, देन फिर हम लोग श्योर है ये कि नवंबर 2022 तक हम लोग इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हम लोग स्टार्ट कर दें, और अब से लगभग छह महीने बाद जो सिटी का लेआउट है और जो आर्किटेक्चर जो होगा, राइट, उसको हम लोग विजुअली इंस्पेक्ट कर पाएंगे ऑनलाइन सेशंस के अंदर, राइट, वहां से भी हम लोग लाइव चीजों को देख पाएंगे, ओके, आगे चलो। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट न्यूज, जितनी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई खबरें आती हैं वो आप इन प्रोजेक्ट न्यूज के अंदर देख सकते हैं। कंपनी का खुद का ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप इसकी सारी की सारी अपडेट देख पाएंगे, राइट। और फिर उसके बाद में है प्रोजेक्ट टीम के अंदर जितने भी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय हैं, राइट, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं,
इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो सभी के सभी लोग आपको प्रोजेक्ट टीम के अंदर नजर आएंगे। देन उसके बाद में सुपरवाइजरी कमेटी है जो इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट इन द सेंस जो इस प्रोजेक्ट की एफिलिएट को, जिसको हम लोग CIF बोलते हैं, दैट इज क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग को लीड कर रहे हैं, राइट, उनके भी नाम आप इस सुपरवाइजरी कमेटी में देख पाएंगे। ओके, उनकी डिटेल्स को भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्यूचर, राइट, ये फ्यूचर का एक पार्ट है, भविष्य में हम लोग जाने वाले हैं इसी के थ्रू, राइट। अभी मोटा मोटा अगर हम देखें, देखो एक मजे की बात बताता हूँ आपको, मजे की बात यह कि अभी तक इस सिस्टम के अंदर, विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर 22,999 पीपल अभी आ चुके हैं। जैसे ही एक पर्सन और साइन अप करेगा और अपडेट करेगा, राइट, वैसे ही यहाँ पर 23,000 को पार्टनर्स या को ओनर्स कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, ऑलराइट। और एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा, राइट, वो ये है, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा vitar@dennistaglin.com। अभी जो Novosibirsk वाला जो एड्रेस था विंटर पावर प्रोजेक्ट का, उसको चेंज करके उसको बेसिकली शिफ्ट किया है कंपनी ने दुबई में, दैट इज टैगलिन हब विंटर LLC UAE दुबई DIP1W10 warehouse 10। ओके, ये एक नया अपडेट है। ओके, और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं ना इसकी जो शेयर्स, राइट, हम लोग शेयर्स बना रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, राइट, तो जब इसके लाइसेंसिंग सेल होना चालू होगा, लाइसेंसिंग सेल कब होगा ये बता देता आपको, इसका पायलट प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद में इसका लाइसेंसिंग सेल होना चालू होंगे, तो उसमें जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, अपने कोनर्स के साथ में, और उसको शेयर करेगी, राइट। और उसके बाद में जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, राइट, एक इनका आंकड़ा है कि जब भी हम लोग 2000 लाइसेंस सेल कर लेंगे पूरी दुनिया के अंदर, उसके बाद में हम लोग सक्सेसफुली, राइट, हम उसके बाद में हम लोग सक्सेसफुली स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग के लिए हम लोग जा पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे लाइसेंसिंग सेल करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट डिलीवर होना, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा, राइट। लाइसेंसिंग सेल करने का मतलब है अंडरस्टैंडिंग हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी को आप यूज करो, अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, इतना डन हुआ, लाइसेंस सेल हो गया, राइट। इस तरीके से हम लोग आने वाले समय में देखेंगे कि एक-एक महीने में 10-10, 20-20, राइट, 10-10, 20-20 लाइसेंसिंग भी सेल होगा, और उस 10-10, 20-20 लाइसेंसिंग के ऊपर जो कंपनी प्रॉफिट शेयर करने वाली है ना आपको, वो बहुत ज्यादा करने वाली है, राइट। और प्रॉफिट शेयर आप देखेंगे कि मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, हम लोग जितना हमने शेयर बनाया उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मिलने वाला, और बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, राइट, क्योंकि 2000 आप देखिए ना कि 2000 हम लोगों को लाइसेंस सेल करना है यहाँ पर, और वो लाइसेंसिंग सेल होगा 2024 से, राइट, 2024 से जब लाइसेंसिंग सेल होगा, अब आप उसमें एक आंकड़ा लगाइए कि हर महीने कितने लाइसेंस सेल होंगे, राइट, अप टू 2025-26 तक, क्योंकि ऑब्वियसली और डेफिनेटली 2027 तक ये एनी हाउ किसी भी तरीके से लिस्टिंग के लिए जाएंगे, और उसके बाद में हमारा $5 to $10, ओके, $5 to $10 के बीच में कहीं पर ये लाई करेगा, राइट, और उस टाइम पे जब ये लिस्टिंग के लिए जाएगा, राइट, वहां पर आपका जो प्रॉफिट शेयर, सॉरी, जो डिविडेंड भी होगा ना इस आपके शेयर्स का, वो भी आपका $1 तक रहने वाला है यहाँ पर, राइट। तो तभी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आपका जो डिविडेंड, आपका जो शेयर्स वाला पार्ट है, उसको आप जितना इंक्रीज, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंक्रीज कर सकें, उतना ज्यादा से ज्यादा आप इसको इंक्रीज कीजिए, ऑलराइट। और अब मैं एक बार विपुल जी के पास चलता हूँ, विपुल जी को एक बार ढूंढ लेता हूँ। विपुल जी आ गए क्या? यस प्लीज, विपुल जी एक बार अनम्यूट कीजिएगा अपने आपको। थैंक यू। ऑलराइट, प्लीज सर। ओके भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, जो वो इन्फॉर्मेशन आपने दिया बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो शानदार है, और मुझे लगता है कि काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो शेयर है, वहीं पर आने वाला टाइम के अंदर ये शेयर नहीं, आपका पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़ा खजाना
आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये इंक्रीज होने वाला है। अब मैं कुछ बात करूंगा कि अपनी कोर टीम रिटेल इंडिया की, जो तकरीबन 8.5 महीने के दौरान हम लोगों ने क्या अचीवमेंट दिया है और किस तरीके से ग्रोथ एक्टिविटी की मैं बात करूं, किस तरीके से लोग किस कदर पे धीरे धीरे करके कामयाबी की मिसाल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो तकरीबन आज के दिन में इस 8.5 महीने के दौरान ये मान के चलिए टोटल 5800 पीपल, टोटल पूरे वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है तकरीबन 23,000 की कम्युनिटी के अंदर कोर टीम विटर इंडिया की जो कम्युनिटी है वो 5800 कम्युनिटी का एक जिसको करके परचम लहराता हुआ पूरी दुनिया के अंदर जानदार शानदार तरीके से अपने झंडे को आगे लेते जा रहा है। अब मैं बात करूंगी इसमें कामयाब कौन से लोग हैं और किस तरीके से लोग इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। नो डाउट जो लोग अभी यहाँ पर प्री आईपीओ को बाय कर रहे थे तो उनकी पोर्टफोलियो के अंदर उनकी जो अपनी संपत्ति को तो बना ही रहे यानी कि पोर्टफोलियो में इंक्रीज तो कर ही रहे और उनके साथ में एक्टिव इनकम के रूप में भी लोग बहुत ही जानदार तरीके से यहाँ पर इनकम कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं और इस 5800 लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो इसमें से मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा, यदि 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले ऐसे लोगों की संख्या इस कोटि मीटर इंडिया के अंदर तकरीबन यहाँ पर 580 लोगों की संख्या है जो तकरीबन इतना पैसा पर मंथ यहाँ से कमा रहे हैं। और मैं दूसरी गणित इसकी जो सेकंड स्टेप है वो 20,000 से लेकर के 45,000 रुपए कमाने वाले यदि लोगों की संख्या है वो तकरीबन 250 लोगों की संख्या इस कम्युनिटी के अंदर लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम तकरीबन इतना रुपए महीने के कमा रहे हैं। और यदि मैं बात करूं तीसरे लेवल की जो 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक पर मंथ कमाने वाले लोग जो लोगों की जो संख्या है वो करीब 124 लोगों की संख्या है जो पर मंथ इतना यहाँ से इनकम के रूप में यहाँ पर आमदनी भी यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। और मैं चौथे पायदान की मैं बात करूं तो वो पायदान है 1,00,000 से 2,00,000 कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है। डेफिनेटली थोड़ी रकम बड़ी है तो यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो है यहाँ पर 25 लोग ऐसे हैं जो पर मंथ इतने 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में या तकरीबन उस पायदान में पहुंचे हुए हैं। और मैं उसकी जो पांचवी पायदान है वो 2,00,000 से लेकर के 5,00,000 कमाने वाले लोगों की जो कम्युनिटी है वो कितने हैं, तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी बड़ा पायदान है तो इसमें लोगों की संख्या करीब यहाँ पर 5 लोग ऐसे हैं जो तकरीबन इस स्टेज में जाकर के पहुंचे हुए हैं। दोस्तों 8 महीने के दौरान यदि कोई नौकरी कहे तो इस नौकरी के अंदर तो पॉसिबल है नहीं, पोर्टफोलियो साथ में ऐसा कौन सा बिजनेस मुझे बता दीजिए कि साथ में आपकी संपत्ति भी बनती जा रही है और साथ में आपके इनकम भी यहाँ से जनरेट होती जा रही है, यानी कि एक साथ में दो चीज जो आपको फ्यूचर के अंदर जो आप यहाँ पर प्री आईपीओ बाय कर रहे हैं इसमें आपको जिंदगी भर यानी कि शेयरिंग प्रॉफिट, डिविडेंड फंड, आपका पैसिव इनकम के रूप में ताज जिंदगी आपको यहाँ से जनरेट होने वाला है। और जब इसकी लिस्टिंग की कगार पे हम लोग पहुंच जाएंगे तब तक हमारी संपत्ति तकरीबन 300 गुना हमारी संपत्ति बन चुका होगा, यानी कि कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूं 2025 या 26 के बीच में यदि हम लोग आज जो चीज हम लोग बाय कर रहे हैं इसके दौरान लिस्टिंग से पहले 300 गुना संपत्ति हमारे बनने की कगार पे खड़ा हो जाता है। तो एक बार आप अमूमन लगा करके देखिए हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी में या ऐसी कोई उछाल हमारे साथ में आई है कि 300 गुना मात्र 3-4 साल 5 साल के दौरान देखने का मौका मिला होगा। यदि नहीं मिला है तो दोस्तों आप ये चीज आप अपने आप में महसूस करेंगे 2025 या 26 के बाद, क्योंकि तब हम लिस्टिंग के कगार पे होंगे और जिस क्वांटिटी में आज आप यहाँ पर इसको बाय कर रहे हैं मात्र 26 पैसे 29 पैसे के भाव में खरीद रहे हैं, तो यही चीजें जब आपका 70 रुपए के भाव में ये चीज आपको दिखने लगेगा तो आपको खुद ब खुद महसूस होने लग जाएगा कितनी बड़ी संपत्ति आपने अर्जित कर ली है। ये तो हुई दोस्तों हमारी दो पॉइंट कि पोर्टफोलियो आपकी अपनी निजी संपत्ति है और अभी जो आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वो आपकी एक एक्टिव इनकम के तौर पे आपको यहाँ पर शानदार तरीके से आप यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई है दोस्तों
किसी चीज ने एक बात जरूर कही है, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। दो तरीके से अमीर बना जा सकता है, या तो आप अमीरी वाला माइंड बना करके अपनी कार्यप्रणाली को तैयार करें। अमीरी वाला माइंड किसे कहते हैं? यदि आपको जिंदगी भर मेहनत करना है तो मैं समझता हूँ कि मेहनत करने से हम लोग वो अमीर नहीं बन सकते हैं कि हमारा पैसा काम नहीं करेगा तो हम अमीर नहीं बन सकते हैं। हमें अमीर बनने के लिए आज के जमाने का जो नेट जो पैतरा है, टेक्नोलॉजी है, वो हमें ये सिखाता है कि जमाने के साथ में हमें एक कदम उनके साथ में मिल करके चलना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जमाना है और टेक्नोलॉजी का नया युग है। इसमें आपको और हमको ये देखना चाहिए हम कौन से टेक्नोलॉजी के अंदर जाए जो आने वाले टाइम के अंदर इको फ्रेंडली हो, उसके अंदर नीड हो, उसकी जरूरत पूरी दुनिया हो। यदि ऐसी चीजों के अंदर आप उसका रास्ता तय कर रहे हैं तो दोस्तों ये भी तय है कि जो जिस टेक्नोलॉजी को आज आप समझने जा रहे हैं, यही टेक्नोलॉजी को आने वाला बच्चे इसको प्रमोट करेंगे। तो आपके घर में से ही आप ही के बारे में आपकी यहां पर डेफिनेट है कि आपकी तारीफदारी होने वाली है कि इस इंसान के पास में से क्या क्या दिमाग रहा होगा कि उन्होंने यहां से 10 साल पहले इस टेक्नोलॉजी की प्रमोट की है। तो दोस्तों जो डिमांड और सप्लाई, क्योंकि किसी भी चीज की मार्केट के अंदर कीमत कब बढ़ती है? जब किसी भी चीज की कीमत तब बढ़ती है जब डिमांड ज्यादा हो और इसकी सप्लाई कम हो। तो डिमांड और सप्लाई का जो गणित है उसके ऊपर जो कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीजन, वो यही चीज हमें इंगित करवाता है। तो आज वीटर ऑलरेडी पेटेंट टेक्नोलॉजी है और इसमें हमें क्या फायदा होने वाला है? इस पेटेंट टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई भी केवल वीटर ही देने वाला है। और ऐसी नायाब टेक्नोलॉजी जिसके बदौलत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी व्हीकल्स आ रही है तो व्हीकल्स को सबसे ज्यादा जरूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो अभी जमाना इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है, यदि इन चीजों को आप गहराई से सोचे तो कितनी ज्यादा, क्योंकि अभी यदि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जैसे तेल और सोलर वगैरह वगैरह जो चीज अब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है और आपको मार्केट के अंदर ये गाड़ी दिखने लग गया है, तो यदि इसी चीज के ऊपर हम निर्भर रहे तो मैं कहता हूं कि इसके ऊपर हम इसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसी सोर्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा जिससे इस पूरी जिसको कहते हैं कि पूरी एनवायरमेंट को, यानी कि एक नया स्रोत, यानी कि पूरी दुनिया को जो एनर्जी की जरूरत है, तो उसकी तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। तो वो मूव यदि मैं बात करूं, यदि हवा से और चुंबक से यदि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें मौका मिल रहा है तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड एनर्जी का कई गुना ज्यादा होने वाला है और सप्लाई देने वाला ओनली फॉर मीटर है। तो इसकी कीमत आप कैलकुलेशन करके देखना कि जो भी चीजें आप एनर्जी के सेक्टर में डिमांड देख पा रहे हैं, सबसे नंबर वन का जो डिमांड है वो वीटर का डेफिनेटली यहाँ पर जाने वाला है। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी एनवायरमेंट को हम यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। यहां तक कि जब इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है तो इसके अंदर उस पशु पक्षी के बारे में भी सोचा गया है, मानो किसी भी कारण से वो पक्षी इस टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि जो पंखा है इसके अंदर चला जाए तो ऐसा तो नहीं कि वो मर जाए, नहीं, उनके बारे में सोच करके इसके अंदर कोई भी उसको नुकसान नहीं होने वाला है, उस एंगल को सोच करके भी इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इको फ्रेंडली है, हम दुनिया के लिए क्या चीज देने जा रही है, यानी कि नेचर के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं और आपकी और हमारी संपत्ति नेचर की तरह, हमारी संपत्ति भी इस तरीके से बिल्कुल प्योरली आप यहाँ पर नेचुरल आप अमीर बनने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, शानदार टेक्नोलॉजी है दोस्तों, और ये बच्चों को सिखाने का भी टेक्नोलॉजी है। यदि आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो यहाँ पर एक विपुल जी आपको वॉइस चला गया, ऑलराइट, अभी मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, अब चीजें उससे जुड़ी हुई, राइट, जो हमने एक चीज देखा था, दैट इज हमने आज से प्रमोशन इसका स्टार्ट कर दिया है। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, ऑलराइट, और यस प्लीज राम भारती जी अगर जूम मीटिंग में है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा, राइट, राम भारती जी प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा।
wait for a second. Okay. This is called Varanasi, 23rd January 2022, first physical meet, core team Vitter India. ये आप देख पाएंगे, alright? और yes please, अभी मैं एक बार राम भारती जी को अनम्यूट कर लेता हूँ, right? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आगे की जो चीजें रहेंगी उन्हीं से हम लोग जानेंगे. राम भारती जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आपको. वेरी गुड सर, वेरी गुड. मेरी आवाज, यस मेरी आवाज आ रही है सर? आ जा रही. वेरी गुड, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. नमस्ते सर, प्रणाम लोगों को, हमारा नमस्कार हो सर. थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए सर. बाहर है. हेलो. अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल. बाहर कुहासा है इधर. हेलो सर, कुहासा. हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, आ रही. हेलो. हाँ सर बोलिए जी. हाँ तो हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं. अभी आप अपने आप को साइलेंट रखिए, नॉट एन इशू. राइट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो अपना पहला मीट कर रहे हैं तो जो वाराणसी के आसपास, राइट, जो भी उनके इलाके हैं, अगर हमारी कोर टीम वेटर इंडिया से कोई भी पर्सन या कोई भी टीम आप अगर लीड कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं और अगर आपकी टीम वाराणसी के आसपास के एरिया में, अगर आप करने वाले हैं, राइट, और जिसमें कि आप उस प्रोटोटाइप को देख पाएंगे, छू पाएंगे, फील कर पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हुए देख पाएंगे, राइट. तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं अभी जो नेक्स्ट इसी तरीके का एक नेक्स्ट पोस्टर जो अभी मैं रिलीज करूंगा उसके अंदर मैं राम भारती सर का कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं डालूंगा. तो जिसको भी हमारे फर्स्ट मीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, कि उसके अंदर किस तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसकी अधिक जानकारी जो है और कहां पर ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, व्हाटएवर, वो सारी की सारी जानकारी आप राम भारती सर से ले पाएंगे. और इनके कॉन्टेक्ट नंबर, इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं नेक्स्ट वाले प्रमोशन पोस्टर्स के अंदर मैं रिलीज कर दूंगा. सर, सभी यूपी के, सभी यूपी स्टेट के सभी प्रतिभागी वीटर परिवार के सारे लोगों का वेलकम है. हाँ, विजिट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं मेरे कॉन्टेक्ट पर. सभी सहयोगी को और हमारे अपलाइन ग्रेट लाइन के मार्गदर्शन पर हम लोग साथ में हैं और सहयोग है, और पूरे मनी माइंड टाइम से हम लोग लगे हुए हैं और पूरा सक्सेस करके इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाना है. थैंक यू सर. वेरी गुड, वेरी गुड राम भारती, बहुत बहुत धन्यवाद. ऑलराइट, तो हम सब लोग इसको मिलकर जो है सफल बना रहे, सफल बनाएंगे, राइट. अपने अपने लेवल पर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं अपनी टीम के भविष्य के लिए, और साथ में जब हमारी टीम का भविष्य है उसी से ही जुड़ा हुआ हमारा भी भविष्य है, राइट, और हम लोगों से जुड़ा हुआ वीटर का भी भविष्य है. ऑलराइट, वो कैसे? क्योंकि ये सब चीजें सब आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल है, राइट. हम ये नहीं कह सकते कि मेरे करने से मेरे अपलाइन को फायदा होगा, उसके करने से उसके अपलाइन को फायदा होगा, नहीं. हम सब लोगों के करने से अल्टीमेटली जो वीटर टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के सामने आएगी. जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट फिजिकल मीट के दौरान जो हम लोग प्रोटोटाइप देखने वाले हैं, राइट, फिजिकल प्रोटोटाइप जो हम उसको उंगली से टच करके देख पाएंगे, सेंस कर पाएंगे, राइट, ऐसी ही पूरा का पूरा एक वीटर पावर प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट है वो दुबई में आ रहा है पूरी दुनिया के सामने, राइट. और हम सब लोग अपने आप को इतना बड़ा बना ले तब तक कि जब कि उस टाइम तक हम लोग खुद से दुबई जाकर उस वीटर पावर प्रोजेक्ट की टॉप मोस्ट हाइट पे, जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा, राइट, वहां पर जाकर वहां से हम लोग लाइव आ सके, राइट. मैं बताना चाहूंगा 750 फीट की बिल्डिंग हाइट रहने वाली है फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट की, राइट.
और तब तक हमें इतना स्ट्रांग कर लेना, अपनी कम्युनिटी को इतना स्ट्रांग कर लेना है राइट, कि आपको लोग आपकी कम्युनिटी में आपके नाम से जाने राइट, कि ये पर्सन है वो बीटर कर रहे हैं। बीटर नो डाउट हम लोगों की जो पहचान है मार्केट के अंदर वो बीटर से बनी है राइट, लेकिन जब भी कोई आगे कोई नाम बोले तो अच्छा वो वाले राम भारती सर है के जो बीटर कर रहे हैं, यस इस तरीके से इंडिकेशंस मार्केट के अंदर जब जाएंगे ना तो यहाँ पर नो डाउट हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं राइट, और यहाँ पर एक अच्छी चीज के साथ जुड़े हुए जुड़ के हम लोग अपना भविष्य भी निर्धारित कर रहे हैं राइट। एंड जस्ट अ मिनट, वीटर से पृथ्वी को भी फायदा होगा। हाँ सर बिल्कुल, इकोलॉजी पूरी की पूरी कंट्रोल रहेगी ऑब्वियसली, जब पॉल्यूशन नहीं होगा राइट, क्योंकि कार्बन फ्री एनर्जी है वीटर पावर प्रोजेक्ट राइट, तो इससे किसी को नुकसान भी होने वाला ऑलराइट। तो जितने भी हमारी यस वाराणसी के जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग कोर कमेटी रहने वाली है, इनके नाम मैं चाहूंगा राम भारती जी जल्दी से उनके नाम के साथ में उनके फोटोग्राफ्स पास ऑन कराइए, सो दैट हम लोग उसको एक नेक्स्ट लेवल पे जाके इसको प्रोनाउंसिएट कर सकें, इसको प्रमोट कर सकें राइट। और जस्ट अ मिनट, अगर किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हो राइट हमारे उस मीटिंग, आप ग्रुप्स में भी अपने अप्लायंस के थ्रू इन सभी चीजों को आप कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आज के सेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे राइट, हमारी जो खुद की प्रक्रिया है, हमारे जो खुद के टास्क हैं, वो भी हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। और प्लीज मैं एक बार फिर से अनाउंस करूंगा कि जो भी हमारी टीम में पेंडिंग इंस्टॉलमेंट चल रही है लोगों की राइट, उनको भी फुलफिल कराना एक तरीके से हमारी ही जिम्मेदारी है राइट, तो ये वाला टास्क भी हम लोगों को कराना है, बीइंग एज एन अप्लाइन, बीइंग एज एन गार्जियन राइट, हमारी टीम की किसी का नुकसान ना हो बस राइट, क्योंकि कंपनी ने भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि किसी का भी नुकसान ना हो, अगर किसी ने कुछ पेमेंट कंपनी को दिया है तो उसके बदले उसके पास शेयर जाने ही चाहिए। तो ये इनकी एक सबसे अच्छी रणनीति मुझे लगी कंपनी की, यहाँ पर अगर किसी ने $10 भी पे किया राइट, तो वो पैसा भी यहाँ पर किसी का डूबेगा नहीं, ये इस चीज की श्योरिटी है। उस $10 के अगेंस्ट में भी कंपनी आपको जो शेयर अलॉट करेगी उसका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की कंपनी यहाँ पर जनरेट करके आपको दे रही है। ओके, तो आज के सेशन को मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए ठीक है एक बार फिर से मैं चलता हूँ विपुल जी के पास में, अगर उनके पास में कुछ अच्छा अपडेट है तो प्लीज एक बार सुनते हैं। विपुल जी अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से, आपको बेसिकली नेट आज डिस्टर्ब कर रहा है। यस सर प्लीज। ओके ऑल राइट विद मोहित, मोहित फिर से नेट की प्रॉब्लम आज है ही, बस इतना सा मेरी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है कि जो भी है आप सभी लोगों को मिल करके इस सिस्टम को हम लोग सक्सेस हम लोग करवाते हैं, और ऑलरेडी ये सक्सेस इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो डेडिकेशन, आप लोगों की जो ड्रीम, जिस तरीके से आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान नंबर वन जाने वाला है। और जिस कम्युनिटी की जो पहचान, जो ड्रीमर लोग जहां पर होते हैं, तो उस काम को कोई भी दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक पाए। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि फुल तरीके से जहां पर भी जो अपनी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना चाहे, क्योंकि हर महीने हमारा एक मीटिंग 100% फिक्स होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्योंकि एक महीने की तैयारी इसलिए देते हैं ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी वहां की जो भी स्टेट के अंदर आप करवाना चाहे, ताकि सब लोग मिल करके उस सिस्टम को डेवलपमेंट करें और ये नॉलेज पूरी हर किसी के पास पहुंच जाए, और सही नॉलेज यदि पहुंच गए तो नो डाउट ये सिस्टम तो ऑटोमेटिक वैसे ही सक्सेस हो जाएगा। और यही चीज आप लोगों से मेरी यही कामना है, और मुझे इतनी मैं आशा करता हूं कि हम लोग मिल करके इस सिस्टम को 100% हम लोग सक्सेस व्यू में लेकर के जाएंगे। तो इसी के साथ में आज की मीटिंग के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, और इसी के साथ में मैं अपनी थैंक यू ऑल ऑफ यू मोहित। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच विपुल जी राइट। और बस मैं आज के सेशन को यहीं पर ही बाइंड अप करना चाहूंगा राइट, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, ट्यूसडे है
और कल मैं सोच रहा हूँ कल एक बार बैक ऑफिस के रिव्यू के साथ में कल हम लोग एक बार बैक ऑफिस को देखें, बैक ऑफिस को जाने राइट, और किस तरीके से कहाँ से टॉप अप्स होते हैं, पे आउट्स विड्रॉल किस तरीके से होते हैं राइट, तो वो सारी की सारी चीजें भी कल मैं करना चाहूंगा। तो जो कल का जो सेशन है ट्यूजडे, वो हम लोग बेसिक रखने वाले हैं, जो भी नए लोग आते हैं सिस्टम के अंदर उनको नॉलेज देने के लिए कि हम लोग बैक ऑफिस को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हमारे मतलब की बैक ऑफिस के अंदर होती हैं राइट। तो प्लीज आज के सेशन को मैं यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ, कल हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नई एनर्जी के साथ में, कुछ नए अपडेट्स के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू।